प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेकर फर्जी टिकट व वीजा देने पर सिंघड़िया स्थित स्काई लाइन के मालिक सहित अन्य लोगों के खिलाफ कैंट पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से कछुआ तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। 426 कछुओं को किया बरामद। जीआरपी की एडिशनल एसपी रचना मिश्रा ने दी जानकारी। मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, बैंक वसूली सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा प्रचार वाहन के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। सीडीओ ने कहा, समूह की महिलाएं घर घर जाकर मेरा वोट मेरा अधिकार की दिला रही हैं शपथ। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध वाहनों के खिलाफ शास्त्री चौक पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। एसपी सिटी ने कहा, जनपद में 53 जगहों पर वाहन चेकिंग प्वाइंट बनाकर किया जा रहा है संदिग्ध वाहनों की चेकिंग। मतदाता जागरूकता के लिए ब्लू कमांडो यातायात नियंत्रण इकाई के मोटरसाइकिल दस्ता को उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दस्ते का किया नेतृत्व। कहा, गोरखपुर के मतदान को 100% बढ़ाने के लिए ब्लू कमांडो दस्ता द्वारा निकाली गई है रैली। दवा विक्रेताओं के लिए भालोटिया मार्केट में दवा विक्रेता समिति एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन। कहा, जिला एवं स्वास्थ्य प्रशासन ने दवा विक्रेताओं को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए लगवाया है वैक्सीनेशन कैंप। मार्च को होने वाले मतदान पर दिव्यांगजन बुजुर्ग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सभी बूथों पर समुचित किया गया है व्यवस्था। सीडीओ ने कहा, दिव्यांगजनों के लिए सभी बूथों पर है व्हीलचेयर व रैंप की व्यवस्था। गोरखपुर में मंगलवार को पाए गए 23 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 395। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में मोहद्दीपुर गुरुद्वारे से आसपास के क्षेत्रों में निकाला गया संत यात्रा। 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए लोगों को पत्रक बांटकर किया गया जागरूक। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 316 केंद्रों पर 30,950 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 19,851 लोग तथा सेकेंड डोज देने वालों में 9,668 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, जल्द से जल्द लोग कराएं टीकाकरण, कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। और एबीवीपी ने तमिलनाडु के तंजावुर में मतांतरण के दबाव के कारण हुई लावण्या की हत्या को लेकर गोलघर के कचहरी चौराहे पर रास्ता जाम कर किया धरना प्रदर्शन। कहा, एबीवीपी का प्रत्येक कार्यकर्ता लावण्या को न्याय मिलने तक संघर्षरत रहने के लिए है प्रतिबद्ध है।